Hi everyone, and today's question is find the discriminant of quadratic equations x square minus 2x minus 3 equal to 0. क्या है हमारा equation? X square minus 2x minus 3 equal to 0. तो discriminant हम कैसे निकालते हैं? तो discriminant यानी कि d का formula होता है हमारा d square minus 4ac. ठीक है, तो इसमें हमारा जो इक्वेशन होती है इसकी जनरल फॉर्म होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है वो हमारा ए होता है, एक्स का कोफिशियंट हमारा बी होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो हमारा सी होता है. तो इसमें आ रही ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी. तो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है 1, तो ए की वैल्यू 1. b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशियंट माइनस 2 है तो b की वैल्यू होगी माइनस 2, और c हमारा कांस्टेंट यानी कि माइनस 3, तो c इक्वल टू माइनस 3. बस आपको इसको इससे कंपेयर करना है, a b c की वैल्यू निकल जाएगी. अब आपको सिंपली इसमें पुट कर देना है, तो b माइनस 2 कितना, b कितना है माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर फिर 4 ए सी. ठीक है, तो 4 ए सी, ए क्या है हमारा इसमें 1 और c क्या हमारा माइनस 3. अंडरस्टूड? तो जब पुट कर देंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12, और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा हमारा 12. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 16 विच इज ग्रेटर देन 0. अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसमें आपके आएंगे क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसमें आपके 2 रियल रूट्स होंगे. ये चेक करने के लिए होता है कि इसमें रूट रियल होंगे नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी पता चल जाती है, डी से निकालने से हमारी प्रॉपर्टी पता चल जाती है. तो अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि इसमें आपको 2 रियल रूट्स होंगे. ठीक है, और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है या फिर इक्वल टू 1 हो जाती है, पहले इक्वल टू 1 कर लेते, इक्वल टू 1 हो जाती है तो इसमें आपके 1 रियल रूट होगा, 1 रियल रूट. और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आती है यानी कि माइनस में आती है तो इसमें आपके 0 रियल रूट्स होंगे और 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे. कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, इमेजिनरी यानी कि हमारे आयोटा, आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे 11th क्लास में. ठीक है, तो उसके बारे में आप बाद में जानेंगे. तो यानी कि बस आपको इतना जानना है कि अगर लेस देन होता है तो 0 रूट रियल रूट्स होते हैं, सिंपल. तो उससे हम आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, यानी करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो आप बाद में पढ़ेंगे. पहले ये आपको समझना है कि ये कैसे, डी कैसे हमें पता करता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की प्रॉपर्टी को, ये वो कैसा है, इसमें कितने रूट्स है. फाइन, होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.